आज के हमारे इस में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में और किस तरह रेकी के द्वारा हम अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं इसी के बारे में जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रेकी मास्टर एंड काउंसलर मिसेस अनिता चितकारा हाई मैम वेलकम टू शो थैंक यू सो मच मैम क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह रिलेशनशिप्स में आई हुई करवाहट को आप रेकी के द्वारा दूर करती हैं जी आ, रेकी आ, के द्वारा हमने जैसे पहले एपिसोड्स में बताया है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं हम हैं। अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं जी रिलेशनशिप्स में कड़वाहट कर्वा, की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे भीतर की कड़वाहट रहती है ओके okay. तो भीतर की जो कड़वाहट है उसको दूर करने के लिए या उसको समझने के लिए सबसे पहले दूसरों के साथ रिलेशनशिप तो तब बेटर होंगे जब हमारे अपने साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे जी। तो सबसे पहले अपने आप को समझना और जो हमारी हमारी कड़वाहट है उसको समझना और उसको दूर करना बहुत जरूरी रहता है तो रेकी जो है वो मदद करती है अपने आप के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने में okay. जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं अपने आप के साथ खुश रहते हैं अपने चाहे हम खुश हैं चाहे हम दुखी हैं हम हमें उस खुश और दुखी होना तो एक आ, मन की भावना है ना जो एक स, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई खुश है तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई दूसरा दुखी भी हो सकता है तो ये तो हमारे मन की भावना है कि हम खुश हैं या दुखी हैं तो सबसे पहले हम अपने आप के साथ पीसफुल हों अपने आप के साथ खुश हों और गे, अपने आप के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करें अपनी रिस्पेक्ट करें okay. तो हम सबको एक्सेप्ट करेंगे अपने हाँ. जितने भी रिलेशनशिप्स हैं हाँ. उनको एक्सेप्ट करेंगे अपनी सिचुएशंस हाँ. को एक्सेप्ट करेंगे जी हाँ. और उनको मानेंगे जी हाँ. तो रेकी जो अपने आप को जो हमें मदद करती हाँ. है टू डेवलप रिलेशनशिप विद अवर सेल्स एंड हेंस विद अदर पीपल सो फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू बी हैप्पी विद योर सेल्फ एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर और जो रिलेशनशिप्स आपको इस दुनिया में मिले हैं जी है। इस ज़िंदगी में मिले हैं उनको ये समझना कि उनका कोई पर्पस है वो ऐसे ही नहीं क्योंकि देखिए करोड़ों लोगों में अरबों लोगों में हम कुछ चंद सौ पचास लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बना पाते हैं पूरे जीवन काल में जो इंटीमेट रिलेशन है। होते हैं तो उनको हम वो हमारे जीवन में क्यों हैं हमारे पेरेंट्स जैसे हैं वैसे क्यों हैं है। हमारे जो स्पाउस हैं वो ऐसे हैं तो ऐसा क्यों है तो जो लेसन हमें सीखने हैं उनसे उनको सीखने में ज़्यादा तवज्जो दें उनको समझने में ज़्यादा तवज्जो दें बनस्बत की उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हमारी जो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ इज़ ऑलवेज़ क्रिबिंग कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते चाइल्ड इज़ ऑलवेज़ क्रिबिंग अबाउट द सिबलिंग राइवलरी कि मेरे पेरेंट्स okay, दूसरे बहन भाई को ज़्यादा प्यार करते okay, हैं पेरेंट्स का आपस में जो झगड़ा है बॉस और सबॉर्डिनेट का जो झगड़ा है उनके जो बेसिक कारण हैं वो ये कि हम अपने आप से खुश नहीं रहते नंबर एक okay. हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से वो बहुत डिफरेंट हैं बहुत अनरियलिस्टिक हैं ओके हम क्योंकि ना अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना दूसरों को जैसे वो हैं एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी जो उनके उनके जो एक्सपेक्टेशंस रह जाती हैं कि वो पर्टिकुलर तरीके से क्यों नहीं बिहेव करते ये समझे बगैर कि वो कितने दुखी हैं या उनके मन में क्या चल रहा है ओके okay. तो जब हम रेकी रेगुलर करते हैं तो एक तो हम अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं जी. प्लस जो रिलेशनशिप्स है कोई भी रिलेशनशिप होता है सपोज एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो इसमें तीन एंटिटीज़ होती हैं एक हस्बैंड एक वाइफ और एक रिलेशनशिप जिसे okay. हम भूल जाते हैं हम हस्बैंड को हील करते हैं हम वाइफ को हील करते हैं द थर्ड एंटिटी इज कॉल्ड रिलेशनशिप उसको भी हील करना बहुत ज़रूरी होता okay. है तो रेकी जो है वो बहुत मदद करती है हीलिंग में और सारे ब्लॉक्स को रिमूव कर देती है सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको रिमूव करती है okay. और रियलिस्टिक बिहेवियर uh, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को एनहांस करती है इससे okay. रिलेशनशिप्स तो में बहुत फायदा होता है जी हाँ जैसे आपने कहा कि हम रिलेशनशिप्स को हील करते हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो चाहे वो माँ बेटे का हो या दो तो सिब्लिंग्स का रिलेशनशिप हो तो बेसिकली वट इज द दैट यू यूज कैसे हम इन जो रिश्तों में जो कड़वाहट आई है उस रेखी के जरिए कैसे हम उसे मिटा सकते हैं रेखी के जरिए हम डिस्टेंस हीलिंग देते हैं okay. यदि और जो लोग खुद रेखी सीख लेते हैं वो अपने इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं क्योंकि रेखी में एक खास बात ये भी है कि वो ब्लॉक्स को रिमूव करती जी है वो जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करती है मैम यू बिन प्रैक्टिसिंग फॉर इयर्स नाउ तो आपके पास जो लोग आते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके ऐसे कौन सा रिलेशनशिप है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है जो सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कड़वाहट होती है कड़वाहट तो नहीं कहेंगे पर मेरे एक्सपीरियंस से ये बहुत जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो सास बहू के रिलेशनशिप्स <laughs> हैं जो औरतें आपस में okay. जो झगड़ा करती हैं घरों जी. में पर्टिकुलरली जॉइंट फैमिलीज में जी. वो बहुत आता है और okay. बहुत ज़रूरी है सब औरतों का ये समझना जी. कि औरतें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से निकल रही होती हैं हर फेज़ में चाहे वो okay. टीन एज हों या फिर आफ्टर डिलीवरी या प्री डिलीवरी एंड आफ्टर दैट मेनूपजल तो ये बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो औरतों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अपने आप के साथ कम्फर्टेबल हों अपनी बॉडी के साथ कम्फर्टेबल हों और अपने इमोशंस uh, के साथ कंफर्टेबल हों okay. तो जब वो अपने आप को समझेंगी तो अपनी uh, जो रिश्तेदार हैं जैसे देवरानी जेठानी सास और बच्चियाँ जो उन सबको अच्छे से समझ पाएंगी जी. तो ये रिलेशनशिप की और औरतें जो है वो रिलेशनशिप की नींव होती हैं हर घर को चलाने के लिए जी. तो इफ़ दे आर कंफर्टेबल विद्वस एंड इफ दे आर पीसफुल विद सेल्व्स द होल फैमिली इज कंजीनियल इज हारमोनियस तो औरतों के लिए मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगी कि हर एज में वही एक घर को बांध कर रखती हैं तो उन्हें पीसफुल uh, रहना और उन्हें बहुत uh, समझदारी से काम लेना जरूरी है जी। कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि रेकी रिलेशनशिप्स हमारे क्यों बिगड़ जाते हैं जी पहली बात तो रिलेशनशिप हमारे अपने आप के साथ ही अच्छे नहीं होते वी आर नॉट कम विद आर सेल्स वी डोंट एक्सेप्टल्स एज वी आर यस एंड In whatever situation also we okay. are, a a a housewife will always to to become working a, a, a working person okay. and a working person and 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 wants to relax at home so okay. so on and so forth. To, पहले तो ये जान लें कि हम जहाँ भी हैं जैसे भी हैं वही हमारे लिए स्थान सही है जी. और कम्फर्टेबल हों अपने okay. को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें लेकिन कम्फर्टेबली आगे बढ़े जी तो अपने आप के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए रेखी जब हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो वी फील दैट वी आर हैप्पी वी आर पीसफुल and we are comfortable with आवर सेल्व तो रेकी एक तो चक्र बैलेंस करने में अपने आप के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करती है दूसरा हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हम उनको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते जैसे, जैसे है, वो हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ बहुत रहती okay. हैं। लाइक like, एक वाइफ एक जो है वो अपने हस्बैंड को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने की एक्सपेक्टेशन रखती okay. है बिना बताए वो चाहती है कि वो समझ जाए कि okay. आ, मैं ये चाह रही हूँ एक तो ये एक्सपेक्टेशन अनदर थिंग इज कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन इज नॉट राइट जब तक बताएंगे नहीं तो हो सकता जी. उस हस्बैंड को समझ ही ना रहा हो ऐसे ही बहन भाई बॉस सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन हैं और पर्टिकुलरली एक जो बिलीफ सिस्टम भी है कि एक बेटे को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए okay. एक मदर को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए या एक हस्बैंड को या एक वाइफ को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए तो ये भी फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है ओके वी डोंट एक्सेप्ट पर्सन एज दे आर वी एक्सेप्ट द रिलेशनशिप एज दे शुड बिहेव तो एक ये कमी रह जाती जी. है तो यदि हम इस बात को इन टोटेलिटी समझने की कोशिश करें जी. तो रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं कंफर्टेबल हो सकते हैं हार्मोनियस हो सकते okay. हैं ओके और ये चार सारी चीज़ें आपको समझाता है एक रे की ग्रैंड मास्टर जैसे कि आप काउंसलर एंड रेकी मदद करती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए प्लस रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए जो ब्लॉक्स हैं रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं बताना लेकिन बता नहीं पाते तो उसके लिए हम लोग थ्रोट चक्रा की हीलिंग बहुत जरूरी समझते हैं सो दैट पर्सन कैन एक्सप्रेस वॉट ही और शी इज फीलिंग ओके

Thanks for having me. It's my pleasure. For more updates and videos, subscribe to our channel, LST.